Assalamualaikum, Namaste, Sastri Akal. Welcome back to your own YouTube channel. मैं हूँ साइमा पीरजादा and you're watching साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल. जैसा कि जानते हैं कि आरजू काजमी के साथ जब कन्वर्सेशन होती है मेजर गौरव आर्या जी की, तो YouTube पर जो जोश व खरोश नज़र आता है और पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और देखना शुरू हो जाती है, तो बस यही वही आज की वीडियो होने वाली है. तो आज हम देखेंगे मेजर गौरव आर्या जी को विद आरजू काजमी. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कुछ फैक्ट्स, क्योंकि उनकी वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है. जो सही चीज़ होगी उसके साथ एग्री करेंगे, जो रॉन्ग होगा उसके साथ हम डिसएग्री भी करेंगे. तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं वीडियो. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं. एंड ऑल्सो अगर आपने बेल आइकन बॉल नोटिफिकेशन पर प्रेस नहीं किया तो आप प्रेस कर लीजिए ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. तो लेट्स स्टार्ट. इस्लाम में ये कहा गया है कुरान शरीफ में कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहूदी छुपा होगा और पत्थर बोलेगा कि मेरे पीछे, पेड़ बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आप इसको यहूदी को मारो. मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? सही. हाँ, तो ये जो आपकी लड़ाई है वो धार्मिक है, वो मजहबी है. इसका इजराइल से और पाकिस्तान से कोई लेना देना? मुसलमान और यहूदी दुश्मन है ये आरजू जी, ये है बात. ये इसीलिए आप लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा. अब क्या हो रहा है कि ये मुबशिर रहमान की बात कर रहे हैं, कामरान खान की बात कर रहे हैं, ये दोनों बहुत सीनियर साहबी हैं, राइट? ये कोई ऐसे ये कल के बच्चे नहीं है, ये बहुत तगड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर. और मैं दोनों के इंटरव्यूज काफी फॉलो करता हूँ, कामरान खान और मुबशिर लुकमान दोनों के. मुबशिर साहब वही ना, थोड़े छोटे वाले हैं, थोड़े से प्लीज दिस थिंग और बंदा सॉलिड है, लड़ता अच्छा है ट्विटर पे मेरे साथ, जब लड़ता है ना अच्छा लड़ता है, अच्छा लगता है कि हाँ शेर है. बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो पूरी बात है, अब जो इनको भेजा गया है, आपकी एजेंसीज ने कामरान खान को भी और मुबशिर लुकमान को बोला है कि तुम ये काम करो, ठीक है? वरना बिना एजेंसीज के आशीर्वाद के यहूदियों के लिए अब पाकिस्तान भी देखिएगा एक दो साल में इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा. और उसका रीजन है, उसका आरजू जी कारण है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां से पैसा आता है उन लोगों की तरफ से प्रेशर आया है, आपको करना है. अगर आप नहीं करेंगे सऊदी अरब का सौदा बंद कर देगा, साफ सीधी बात है. अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. सबसे पहले सब लोग जो खुश हो रहे थे पाकिस्तान में भी कि जो बाइडेन जीते, जो बाइडेन जीत गया, और अब हमारे लिए क्या करेगा? क्या करा जो बाइडेन ने? कमला हैरिस ने क्या करा? कमला हैरिस ने अपने लेक्चर में जो उसने पहली स्पीच दी थी, तीन बार तो उसने इसराइल का नाम लिया और बोला कि अमेरिका विल बी इसराइल स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय. नहीं देखे, पाकिस्तान में तो आप कह सकते हैं सऊदी अरब का प्रेशर है, सऊदी अरब पे किसका प्रेशर है, यूएई पे किसका प्रेशर है, वो भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं. नहीं उसके देखिए, उनके ऊपर जिसका भी प्रेशर हो, अगर हम पे कोई बोले ना कि भारत के प्रेशर है, तो मैं तो भारत के ऊपर सोचूंगा ना कि मेरे मुल्क पे किसका प्रेशर है. हो सकता है सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका का प्रेशर हो. देखिए सुनिए, शेर जो है ना वो लोमड़ी को खाता है, लोमड़ी नेवले को खाती है, नेवला सांप को खाता है. ये दुनिया का दस्तूर है, ये इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है. सऊदी अरेबिया की पूरी सिक्योरिटी कौन देखता है? अमेरिका देखता है, राइट? अमेरिका देखता है सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी, ये बात सच है. अमेरिका सबसे बड़ा बायर है सऊदी ऑयल का, अमेरिका डिक्टेट करता है. ये जो पूरा ओआईसी है ना, ये प्रेशर कुकर की सीटी है. मैम आपको मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन प्रेशर कुकर की सीटी के ज्यादा ना उछले, ओआईसी बना दो, बीच में सीटी बचती रहेगी, कुकर नहीं फटेगा. क्या कर मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि कल पाकिस्तान भी अगर अपने लोगों से पूछेगा और लोगों से पूछेगा कि भाई आपने 72 साल से तो रिकॉग्नाइज नहीं करा, आज आप क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि मुबशिर लुकमान और कामरान खान जैसे बड़े नाम है, छोटे नाम नहीं है, दीज आर बिग पीपल, दीज आर बिग नेम्स, ये लोग क्यों गए वहां पे? कल लोग पूछेंगे तो आपको, ठीक है लोग पाकिस्तान में नहीं पूछते इतना, क्योंकि एक बार जीएचयू और रावलपिंडी ने बोल दिया कि जाएंगे तो भाई 10 बार जाएंगे, फिर क्या करेंगे? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 72 साल से क्यों नहीं गए? आज क्या बदला पाकिस्तान के लिए बताइए, क्या बदला पाकिस्तान के लिए? उन्होंने तो अपना कर लिया जो बहरीन को करना था और उसको करना था. दे हैव टेकन अ स्टैंड, दे हैव सेड कि भैया देखो ये सब बकवास है,
सबको मिलजुल के रहना है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में कभी नहीं आएगी। आप लोग कहानी सुनाते रहिए कि आज से हजार साल पहले हमारा साइंटिस्ट था जिसने ये बोला था कि चांद पर पानी है, वो स्टोरी आप सुनाते रहिए, उसकी जीरो वैल्यू है, उसकी जीरो वैल्यू है। बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट यहूदी हैं, जो पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर वेपन पे, जिस एटम बम पे फक्र करता है ना, वो भी एक यहूदी ने बनाया है। हर चीज तो यहूदी ने बनाई है या ईसाई ने बनाई है, दोनों काफिर हैं आपके लिए और दोनों वाजिबुल कतल हैं और उनकी हर चीज आप इस्तेमाल करते हैं। हसन निसार साहब क्या बोलते हैं, यही तो बोल रहे हैं कि आंखें खोलो अपनी भाई, या तो मत करो ना, हमें नहीं चाहिए। एटम बॉम्ब जो है वो यहूदी का बनाया है और हमारे लिए हराम है, हम इसको फेंकते हैं। आधी चीजें हाँ है, आधी चीजें ना है, तो ये कंफ्यूजन तो रहेगा मुल्क में। जी जी बिल्कुल, और इसी से रिलेटेड मैंने आपसे एक और बात की थी, खादिम हुसैन रिज़वी, उनका आपने वीडियो भी बनाया था। जी जी बताइए। देखिए खादिम हुसैन रिज़वी की दो चीजें, एक ईरान है और एक चीन है, ठीक है। खादिम हुसैन रिज़वी आपने देखा था कि उनके नमाज जनाजा में कितने लोग आए थे, राइट, पूरा एक समंदर था। इन लोगों ने खादिम हुसैन रिज़वी को, अब थ्योरी जा रही है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग तो नहीं थी उसकी। तो आरजू जी ऐसा है कि ये जो पूरी बात है ना कि आर्सेनिक पॉइजनिंग की और ये सब बातें, ये बात आनी है 24 घंटे में। किसको हुआ है कोरोना जो कि 24 घंटे में मर गया, उसका रिजल्ट 24 घंटे में आता है भाई। आप एक दिन करिए, अगले दिन कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट आता है। इसलिए नहीं कि वो टाइम उतना लगता है, जो भीड़ रहती है टेस्ट करवाने में, कहीं पर भी यूएस में भी 24 घंटे लगते हैं, आप देखिए 24 घंटे लगते हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें वो दो मिनट में दे। वेंटिलेटर पे आदमी एक से लेकर चार दिन पांच दिन जिंदा रहता है। खादिम हुसैन रिज़वी को एक दिन वो कुर्सी पे बैठ के मुआयदा कर रहा था, ठीक है, जो फैजाबाद के मार्च का था ना, आई थिंक फैजाबाद का ही जलसा था। एक दिन मुआयदा कर रहा था, अगले दिन निपट गया। वो कैसे कैसे उसको हटा दिया गया, खादिम हुसैन रिज़वी को मार दिया गया। और ये बात निकलेगी आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद पाकिस्तान में बात निकलेगी, खादिम हुसैन रिज़वी को मार दिया, इसने मारा, आपको बेहतर पता है। लेकिन यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी फैमिली ने ये स्टेटमेंट दिया। देखिए फैमिली ने तो जो भी स्टेटमेंट दिया है, अगर बीमार चल रहे थे तो जलसा कैसे कर रहे थे? अगर बीमार चल रहे थे तो वो बैठ के कुर्सी में मुस्कुरा के बोले था, साइन कैसे कर रहे थे? और उन्होंने करा ना उनकी फोटोग्राफ्स हैं। फैमिली को तो आप देखिए ना भाई, आप लोग कहते हैं एक बालिया बयान, किसी ने बोल दिया, किसी ने कबूल कर लिया, इसकी जीरो वैल्यू है, इसकी सिफर वैल्यू है। मैंने तो कई बार ये बोला है, लोग कहते हैं कुलभूषण जाधव का एक बालिया बयान है, साहब एक बालिया बयान की जीरो वैल्यू है। कोई भी कोर्ट दुनिया में, मैं पाकिस्तानी कोर्ट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कोर्ट के अलावा दुनिया में जितने भी और मुल्क हैं, अगर 200 के आसपास मुल्क हैं, तो उसमें किसी की भी कोर्ट में एक बालिया बयान की जीरो वैल्यू है। क्योंकि आप किसी को भी, आपने बोला कि ठीक है खादिम हुसैन रिज़वी के घर परिवार वालों को आपने बोला, खानदान वालों को, कि देखो वो तो चला गया, ठीक है तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे अगर तुमने नहीं बोला। वो डर के मारे बोल देगा, फिर आप बोलेंगे उसके बेटे ने बोला था। प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? सबूत देना पड़ेगा ना, हर चीज सबूत से चलती है, दुनिया सबूत से चलती है भाई। वही सबूत की बात कर रहा हूँ जो ये लेकर अभी यूनाइटेड नेशंस गए हैं ना कि इंडिया मुलव्वज है इस काम में उस काम में। सबूत कहाँ है? ट्रेनिंग कैंप आपने बोला 60 है इंडिया के अंदर, आपने बोला कि कर्नल राजेश है अफगानिस्तान में जो कर रहा है, कौन है कर्नल राजेश, उसकी शक्ल कैसी है? जब हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने रिकॉर्डिंग दी थी और मैं बोला था कि आप पता लगाएं, खुद पता लगाएं साहब कि हम सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, खुद पता लगाओ। यहाँ पे पाकिस्तान ने बोला 60 इधर है 20 इधर है, बस कहानी खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर। देखिए अर्जुन जी मैं आपको बात बताता हूँ कि इमरान खान ने बोला कि भारत ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी को डैमेज करेंगे। मैं 4-5 एग्जांपल देता हूँ। अयूब खान जब इख्तदार में आया था तो इंडिया की वजह से आया था, जब याया खान का मार्शल लॉ लगा था इंडिया की वजह से लगा था, जियाउल हक ने जब करा था मार्शल लॉ इंडिया की वजह से हुआ था, परवेज मुशर्रफ इंडिया की वजह से मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी कहना चाह रहा है अपने आप को पाकिस्तान का तब हुआ था, बेनजीर भुट्टो को भारत ने मारा था या जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी भारत ने दी थी। 4 बार पाकिस्तान का आईन फाड़ा गया है, बदला गया है, डस्टबिन में, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स बट बोला गया है, जियाउल हक के खुद के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये भारत ने करा था। ये कह रहे हैं कि भारत डैमेज करेगा, कैसे डैमेज करेगा? भारत ने क्या बोल दिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ? ये बोल दिया कि सीज फायर वायलेशन हुए हैं बॉर्डर पे, वो तो आप ही कहते हैं। कैसे भारत ने पाकिस्तानी फौज को डैमेज करा है? जो 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर करा था वो क्या मतलब, क्या हमने बोला था सरेंडर करने के लिए? वो तो खुद ही करा ना उन्होंने अपनी मर्जी से।
हमने क्या करा भारत में, सिर्फ डिफेंसिव ऑफेंस में गौरव आर्या का एक वीडियो है कि आसिम सलीम बाजवा ने चोरी करी। अच्छा मैं कह रहा हूँ गौरव आर्या, मान लीजिए कि गौरव आर्या चोरी, आप मान लीजिए, फिर आसिम सलीम बाजवा ने रिजाइन क्यों करा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, अमेरिका में क्यों बैठे हैं वो? यार हर चीज देखिए ना, सुनिए आपको सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ेगा। इंडिया ये कर रही है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज, अगर पाकिस्तानी फौज कमजोर हो जाएगी तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। ये एक बात बताइए आजू जी, मैं एक आपसे सवाल पूछ लूं एंड में, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल अगर आप जी जी, पाकिस्तान में 98% मुस्लिम है, 97% मुस्लिम, ठीक है राइट, पाकिस्तानी में सबसे ज्यादा इस्लाम खतरे में क्यों रहता है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने 35 साल राज करा है, 40 साल राज करा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो पूरे 72 साल राज करा है, पाकिस्तानी फौज कैसे खतरे में रह सकती है? अगर कोई अहमदी बोले मैं खतरे में हूँ, कोई शिया बोले मैं खतरे में हूँ, कोई हिंदू बोले मैं खतरे में, समझ में आता है? यहाँ पे इस्लाम खतरे में आ जाता है, यहाँ पे फौज खतरे में आ जाती है, 97% मुस्लिम कंट्री में इस्लाम खतरे में है। आप बोलते हैं फिर कहते हैं अब ये इमरान खान कह रहे हैं फौज खतरे में, फौज कैसे खतरे में हो सकती है? ये कमर जावेद बाजवा तो बॉस है पाकिस्तान का, वो तो बॉस है, ही इज द बॉस, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। नहीं ये तो खैर हमेशा से रहा है, फौज हमेशा जो है वो ज्यादा ताकतवर रही है गवर्नमेंट के मुकाबले में, और लेकिन तो रिसेंटली आपने आसिम सलीम बाजवा और उनके जो स्कैंडल्स निकाले हैं उसके वजह से भी शायद ये इम्प्रेशन आ रहा है कि फौज को कमजोर किया जा रहा है, उसके स्कैंडल बनाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने तो कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको तो सब मौके आरजू जी मैं तो कह रहा हूँ आसिम सलीम बाजवा, देखिए मैं तो एक मेजर हूँ ठीक है, और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आसिम सलीम बाजवा साहब ही इज अ वेरी बिग मैन, ही इज अ जनरल, उनको खुद बयान देने की जरूरत थी ही नहीं, उनको इस मामले में बयान देने की जरूरत नहीं थी, कोई भी बोल देता, कोई भी बोल देता पाकिस्तान से, कोई जर्नलिस्ट ही बोल देता कि यार ये मेजर गौरव आर्या ना ये झूठ बोलता है, हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, और जो आदमी झूठ बोलता है उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, ठीक है, शुरू शुरू में बोला भी है, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, और वो कौन है वो बेचारा, वो गरीब जो जर्नलिस्ट था फिर उसके पीछे अहमद नूरानी को बोला कि ये गौरव आर्या के एजेंट है, नूरानी के पीछे पड़ गए लोग। अब ये बड़ी वियर्ड सी बात है, और नूरानी का मैंने नाम नहीं सुना, ये कौन नूरानी, कैसा नूरानी, अरे अगर मैं एजेंट पालूंगा तो कोई ढंगी एजेंट पालूंगा ना, बेचारा नूरानी डेढ़ पसली का आदमी बेचारा जर्नलिस्ट, मैंने उसका क्या करना है नूरानी का, मैंने करीब एक महीना पहले रिलीज हुई थी। और मैं एक बात बताता हूँ आप दोबारा जाके अगर कोई भी पाकिस्तानी को, मैं आपको देखते भी होंगे पाकिस्तानी भी इंडियन भी, आप दोनों की रिपोर्ट देखिए, जो मैंने बोला है जो नूरानी साहब की रिपोर्ट, मैंने सिर्फ 2 या 3 पॉइंट दिए, नूरानी ने 10 पॉइंट दिए, नूरानी ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खोद के, मैंने क्या बात करी, मैंने पापा जॉन की बात करी नंबर वन, मैंने जो बलूचिस्तान में उनका जो उन्होंने माइंस थी उनकी बात करी, और मैंने जो उनकी मिडल ईस्ट में जो रियल एस्टेट की कंपनी की बात करी। किसी पाकिस्तानी ने आज तक मुझे ये नहीं बोला कि ये जो पापा जॉन है ये आसिम सलीम बाजवा का है नहीं, ये किसी और का, और तुम झूठ। जो मुझे कागज मिले हैं पाकिस्तान से, वो किसी ना किसी ने तो दिए होंगे मुझे, मैं तो पाकिस्तान गया नहीं ना पर्सनली लेने के लिए, ना कोई इंडियन गया, वो तो पाकिस्तानी होगा। ये होता क्यों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक तो खुद आप माने ना माने, ठीक है, मैं ये चाहता हूं और सीरियसली दिल से चाहता हूं, आप मेरी बात को कोई मजाक ना समझे, मैं चाहता हूं कि डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान स्ट्रांग बने और पाकिस्तान थोड़ा भरोसा रखे डेमोक्रेसी में। क्या हमारे जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप रही है इंडिया में पहले 72 साल से, ये तो मोदी जी ने आके यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ मामला करा है यहाँ पे इंडिया में, क्या यहाँ पे करप्शन नहीं था? बहुत करप्शन था। क्या यहाँ पे इनएफिशिएंसी नहीं थी? बहुत थी। पर धीरे 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 होता है ना। अमेरिका की डेमोक्रेसी क्यों ग्रेट है? क्योंकि वो 150-200 साल से भाई लगे हुए हैं उसके साथ। आपको ये पेड़ है, पाकिस्तानी कहता है कि मैंने पौधा लगाया, ये फल क्यों नहीं दे रहा भाई? अगले दिन से पाकिस्तानी बैठ जाएंगे, इसको हटाओ, दूसरा पौधा लगाओ। फिर बोलेंगे एक दिन के बाद ये फल क्यों नहीं दे रहा? अरे वो 15-20 साल 50 साल के बाद फल देगा, वो 100 साल के बाद फल देगा आपको। इंडिया की भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए कि डेमोक्रेटिक जो रूलर्स हैं, नॉट इमरान खान टाइप के जो सेलेक्टेड हैं, इलेक्टेड जो भी हो, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ को नहीं लाना मत लाओ ना, जरदारी को नहीं लाना मत लाओ, कोई तीसरा बंदा लेकर आओ जिसपे आपको एतबार हो, जिसपे आप बिलीव करें, आप उसको लेकर आओ।
तब जाके मजबूत बनेगा ना पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तान एज अ कंट्री कभी मजबूत नहीं है। जीएचक्यू रावल पिंडी आपके खोपड़ी के ऊपर ऐसे सीसीटीवी लगा के दिख रहेगा, दुनिया इज्जत नहीं करेगी। वैसे ही जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मेरी और वैभव की बात चल रही थी, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई मैंने बोला वैभव ये फेल है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा क्यों? मैंने बोला बगल में जनरल खड़ा है यार, तुम्हारा वर्दी वाला खड़ा है, फेल है। आपने वर्दी वाले को आपने कभी देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में पाकिस्तान के ऊपर, वहां पर कोई इंडियन आर्मी का जनरल खड़ा हुआ है? ये अमेरिका में देखा या आपने कहीं और देखा? कहीं नहीं होता किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये नॉर्थ कोरिया में होता है। आज का वीडियो जिसमें मेजर गौरव आर्या जी आरजू काजमी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और उसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया है, जैसे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनको हटाने की बात पे, और याकूब, और मतलब एक बात मैं आपको बताऊं कि इसमें बेसिकली होता भी यही है कि जो हमारे यहाँ पर लोग हैं नॉर्मली वो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ होती है तो उस पर इंडिया को ही ब्लेम कर दिया जाता है। और ये बात सच है कि माशाल्लाह का सही मेजर साहब कह रहे हैं कि हमने थोड़ी ना हमने किया है, क्या इंडिया का इसमें हाथ है, क्या इंडिया ने किया? तो भाई सही बात है कि इंडिया हमेशा इंडिया का नाम आ जाता है इसमें कि उन्होंने ये सब किया है। हालांकि हम ये नहीं देखते कि इसमें हमारी कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होगी, कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया होगा या हमारी कोई गलती होगी, लेकिन हम हमेशा ये चीज़ नहीं देखते। छोटी सी इतनी सी भी चीज़ हो जाती है तो उसमें भी हम नाम जो है वो इंडिया का ही लगाना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो 26/11 हुआ उसके ऊपर भी वो मेजर साहब ने हाईलाइट किया, तो वो एक कितना बड़ा इंसिडेंट था और बहुत ही अफसोस की बात है कि यार इस तरह के इंसिडेंट हुए, लेकिन थैंक गॉड कि अब इस तरह के कोई इंसिडेंट नहीं होते और ना ही हो इन फ्यूचर, क्योंकि इससे कितने लोगों की जाने जाती हैं। हमारी तो सोच, हम तो सिर्फ सोच कर ही परेशान हो जाते हैं, और जिनके ऊपर ये बीती है वो लोग जाने कि कितना उनके साथ कितना बुरा हुआ, ठीक है। और ऊपर से अब बात करें जो बाइडेन की, तो बाइडेन वाकई में जब आया था तो उस टाइम पे लोगों को बड़ी खुशी हुई थी, चौक खुशियां मनाई जा रही थी कि भाई फाइनली जो बाइडेन आ गया, इससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, हम लोग आगे आएंगे। फिर उसके बाद हमें काफी न्यूज सुनने को मिली, जब जो बाइडेन तो खैर आ गया लेकिन फिर एब्सोल्युटली नॉट सुनने को मिल गया, और फिर यूएस वैसे ही पाकिस्तान से इतना वो ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन वो ज़्यादातर इंडिया के साथ बहुत घुला मिला नज़र आया, लेकिन और दूसरी कंट्रीज़ के साथ अभी भी देखो तो इंडिया ने इतना कुछ किया है उसके बावजूद भी, मतलब कि रशिया के साथ है वो, फिर भी यूएस जो है वो आगे नहीं बोल पाता कुछ भी, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया स्ट्रांग है, हम लोग इतने उनके आगे कुछ भी करेंगे तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर यही चीज़ होती है तो अब पाकिस्तान से इमरान खान क्या रशिया गए, भाई यूएस ने तो उन पे सैंक्शन और पता नहीं क्या क्या उन पे पेनल्टीज लगाना शुरू कर दिया, उन पे जुर्माने फाइन्स ऐड करना स्टार्ट कर दिए। मतलब कि इससे आप आइडिया लगा लो कि इनको कितनी जलन हुई, कितना गुस्सा आ रहा है कि पाकिस्तान का और कितना डिफरेंस है। खैर मैं यहाँ डिग्रेड नहीं कर रही अपनी कंट्री को, लेकिन मैं यहाँ पे डिफरेंस बता रही हूँ कि बहुत डिफरेंस है। अगर हम रशिया को के मामले को ही देख लेते हैं सपोज दैट, तो इंडिया और पाकिस्तान को कितना डिफरेंस है। हालांकि यूएस चाहे तो इंडिया के साथ भी कर सकता है, जबकि डॉलर के हिसाब से इंडिया जो है वो बिजनेस कर नहीं कर रहा रशिया से, बल्कि वो अपनी करेंसी के हिसाब से कर रहा है, और यूएस को इसी चीज़ की तकलीफ हो रही है और वो परेशान है कि अब क्या करें, इस तरह पूरी दुनिया ही इस चक्कर में लग जाएगी तो हमारा क्या होगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पर हमारी अगर यही हमने किया होता तो हमारे कुछ ना कुछ यहाँ पे पेनाल्टी लगी भी होती। तो खैर अभी देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन मेजर गौरव आर्या जी को हमेशा सुनते हुए अच्छा लगता है, काफ़ी फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। देखो भले किसी भी कंट्री से वो बिलोंग करते हो, लेकिन हमेशा उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को हाईलाइट किया है और लोगों को नॉलेज दी है। इवन तो जब मैंने उनकी फर्स्ट वीडियो देखा था तो वो वीडियो था मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स टू पाकिस्तानी पीपल, तो उस टाइम पर वो वीडियो मैंने देखा था डिफेंस डिटेक्टिव का और डिफेंस ऑफेंस का वीडियो देखा था, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। उसके बाद से मैं उनको आप तक देख रही हूँ और आई होप कि इसी तरह से ही वो आगे बढ़ें और काम करते रहें और हम लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें।
सो दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।